देखिए सर, आज हम लोग करने वाले हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन कंकेव या कोई भी स्फेरिकल मिरर में जो रिफ्लेक्शन होगा उस रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनेंगे। तो उसका जो इमेज बनेगा उस इमेज के बनने के क्या तरीके हैं, हम लोग करेंगे स्फेरिकल मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसके क्या लॉ होंगे। देखो, सोर्स से तो कई लाइट रे आ रही होंगी, इनफिनाइट लाइट रे आती है। अब उनमें से क्या साथ आपको जो इमेज बनाना है, रिफ्लेक्शन कराना है ना इमेज बनाने के लिए, तो कम से कम दो इंसिडेंट रे चाहिए आपको, मिनिमम दो चाहिए, जब दो से ज्यादा भी आप ले सकते हो। तो वो कौन सी दो रे लेंगे, कोई भी दो रे ले लें, बिल्कुल कोई भी दो रे ले सकते हैं। लेकिन अब आप लोग इमेज फॉर्मेशन जब करने बैठेंगे तो चूज करेंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बू, नहीं चलेगा ऐसे एक दो तीन चार जो दो मन आया ले लिए, नहीं। अब क्या है कि ऐसी लाइट रेज लेंगे जो कन्वीनियंट हो, नहीं क्योंकि आपके पास तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट होगा नहीं, आप आई इक्वल टू आर से मेजर कर जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को सारी लाइट रे फॉलो करेगी, तो आप क्या करिएगा, हर एंगल, हर लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस नापोगे, नहीं प्रोटेक्टर वगैरह से, कंपास वगैरह से, फिर उसके बाद क्या करोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ढूंढोगे, फिर लाइट रे को रिफ्लेक्ट करोगे, इसमें नहीं लगता है कि टाइम कंज्यूम होगा। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, ये काम पहले कर लेते हैं, पहले करने का मतलब यहाँ पहले मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है, तीन चार मात्र कन्वीनियंट रे ले लेते हैं हम लोग, जो सुटेबल है, बढ़िया वाला है और इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, मेजरमेंट से रिलेटेड कोई चीजें नहीं है और उसका आई आर सब कुछ याद रखा जा सकता है या सब कुछ पहले से हम लोग कर लेते हैं और उसे ही हम लोग इमेज फॉर्मेशन में यूज करेंगे। तीन चार रे से आपको तो दो ही चाहिए ना, हम लोग ऑप्शन के लिए चार ले रहे हैं, हम लोग चार कन्वीनियंट लाइट रे लेंगे जिसके आने का डायरेक्शन और जाने का डायरेक्शन पहले डिसाइड होगा और उसी चार में से किसी दो का यूज हम लोग इमेज फॉर्मेशन में करेंगे। क्लियर है, कोई किसी के साथ दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है फिर। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन कह दो, इमेज फॉर्मेशन, इसमें हम लोग कन्वीनियंट इंसिडेंट लाइट रे लेंगे, नहीं ध्यान रखिएगा इसमें खास बात, वो सारी लाइट रे होगी जो पैरेलल एक्सिस से स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाए, फोर पैरेक्सियल रे ओनली, फोर पैरेक्सियल रे, पैरेक्सियल रेज के लिए, ठीक है, वो कन्वीनियंट रे कौन सी होगी, सारी की सारी पैरेक्सियल रे होंगी, क्लियर। और ये एकदम से क्या होगा, अंडर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फिलफिल करते हुए ये सारे काम हम करने हैं, क्लियर है, गुड। चलिए अब बारी बारी से सबको हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं और फिर रिफ्लेक्ट कराएंगे, ठीक है, ठीक। सबसे पहली बात कि अगर हमें, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है, पहला केस, ठीक है, देखो कनकेव में हो या कन्वेक्स में हो सारी चीजें सेम सेम चलेगी, ठीक है, हम कनकेव कन्वेक्स दोनों का एक साथ प्लॉट करते हुए चलते हैं, क्लियर है, ठीक ठीक। तो पहला हम लोग ये ले लेते हैं कि हमारे पास एक मिरर है और ये मिरर है कनकेव, ठीक, और इस कनकेव का ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल रहा ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है, ठीक है। एक लाइट रे हमने क्या करी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली, सारी लाइट रे किसके बारे में बात की जा रही, पैरेक्सियल, पैरेक्सियल मतलब वो क्या करेगी, स्मॉल एंगल बनाएगी। तो कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है,
कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करेगी, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे फॉल करने वाली प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करते हुए गुजरती है उसे हम लोग फोकस कहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि पैरेलल लाइट रे कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद इस लाइट रे को कहाँ से गुजारना है, कहाँ से गुजारना है, उस स्फेरिकल मिरर के फोकस से। कोई डाउट नहीं, क्लियर है। और यही चीजें अगर आप कॉनकेव, ये कॉनकेव था, अगर यही ड्राइंग आप कन्वेक्स के लिए करोगे तो कुछ ऐसा होगा, कन्वेक्स मिरर के लिए करोगे तो कोई भी लाइट रे, ये कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, समझ पा रहे, ठीक है। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे फॉल करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद इसे फोकस से गुजरता हुआ दिखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ये सीम्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट करेगी। पहला वाला केस सबको क्लियर है, वेरी गुड। बस दूसरा वाला आते हैं, क्लियर है, चलो सेकेंड वाला। अब इसी का हम लोग रिवर्ट सोचेंगे, उल्टा क्या सोचना है कि अगर कोई लाइट रे फोकस पे ही फॉल कर जाए, तो अगर कोई लाइट रे ऐसा हो कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस फोकस पे हो, मतलब वो फोकस पे फॉल करे, फोकस पे फॉल कर गया, फोकस से होते हुए इंसिडेंट हो जाए, ठीक है, स्टेटमेंट नहीं लिख रहे इसलिए समझिएगा ध्यान से ड्राइंग को, हर ड्राइंग का मतलब। तो I इक्वल टू R जब आप यहां पे लगाओगे ना, I इक्वल टू R ड्रॉ करोगे ना, तो देखोगे कि ये क्या होगा, जब ये जाएगा ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, सारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंतर्गत है। क्यों, क्योंकि जरा यहां पे तुम देखो तो नॉर्मल ड्रॉ करके दिखाते हैं तुम्हें हम, देखो यहां पे जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये रहेगा आपका नॉर्मल, I इक्वल टू R जहां की फुल फिल है, यहां पे जब आप ड्रॉ करोगे C और यहां पे रहा C आपका, यहां पे भी आपका I इक्वल टू R फुल फिल है, यहां पे भी I इक्वल टू R आपका फुल फिल है, ठीक है। यहां पे भी क्या हुआ है, I इक्वल टू R, यहां भी I इक्वल टू R, हर जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ही मतलब फॉलो करते हुए जाना है, रूल नहीं तोड़ना है, क्लियर है। सिमिलरली अगर यही मिरर कन्वेक्स हो जाए, देखना सर, अगर यही मिरर कन्वेक्स हो जाए, ठीक है, कन्वेक्स हो जाए, तो ये मान लो इसका फोकस है, अगर कोई लाइट रे इस तरह से फॉल करे कि लगे कि ये फोकस पे फॉल कर रही है, इंसिडेंट ऑन फोकस, ऐसा प्रतीत हो कि ये फोकस पे फॉल कर रही है, तो ये लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, इधर तो रिफ्लेक्ट हो नहीं सकती, आई इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये सुनो, ये जो रिफ्लेक्ट होगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ, भाई ऐसा तो नियम के अकॉर्डिंग हुआ, देखो ना आई इक्वल टू आर यहां पे इसका नॉर्मल है, और क्या, आई इक्वल टू आर से ये चली गई है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये इसका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर होगा ना, नो, क्लियर है, क्लियर है सबको, गुड। ये तीसरी वाली हो गई, चलो दूसरी वाली एक और करते हैं हम लोग, एक और करते हैं थर्ड वन। अगर हमारे पास, ध्यान देना, देखो ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर कोई भी लाइट रे उसका नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब समझ रहे हैं, अगर वो नॉर्मल के अलोंग फॉल कर जाती है, जैसे कि ये वाली लाइट रे, देखना जरा,
आप अगर इस लाइट रे को क्या बोलोगे, इस लाइट रे को क्या बोलोगे, नॉर्मल इंसिडेंस नहीं हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ये फॉल करती है तो इस केस में क्या होता है, ये नॉर्मल ही हो गया, नहीं ये नॉर्मल के, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ जो लाइन मिरर को टच करता है वो नॉर्मल होता है। तो आप बताइए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नियम के अकॉर्डिंग 0 होना चाहिए, मतलब जिस रास्ते से वो जाएगी उसी रास्ते से वापस लौट आएगी। अगर लाइट रे कभी भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से फॉल करवाओगे मिरर पे तो सेम पाथ को वो फॉलो करेगी, क्लियर है, क्लियर है, गुड। सिमिलरली इसमें भी होगा, तो देखो ये कुछ लाइट रे हमने पहले ले ली है, यहां पे भी वैसा ही होगा। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करता हुआ महसूस होगी कि ये लाइट रे ना मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करने वाली थी, तो क्या करेंगे, उसे उसी रास्ते से फिर वापस लौटा देना है, क्लियर है। चलो 3 हो गए, अब 4 व नंबर की पारी यहां पे है, यहां पे कर दें नंबर 4, कंफ्यूज नहीं करना है, यहां पे नंबर 4 है, गुड। अब यहां पे हमारे पास स्पेस की कमी थी, इसीलिए ये मान लो कनकेव मिरर और ये रहा पोल एफ सी। अगर कोई लाइट रे मान लो किसी एंगल से पोल पे फॉल कर जाती है, तो देखो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला लाइन नॉर्मल अवेलेबल है हमारे पास, तो ये हो गया आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी हिसाब से फिर ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी बाबू, समझ पा रहे सर, आई इक्वल टू आर, रिफ्लेक्ट करा देना है। उसी तरह से अगर ये मिरर कनकेव ना होके कन्वेक्स हो तो क्या हो, तब भी वही होगा, आई इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट करा देनी है। ये पोल, तो लाइट को जितने एंगल से आप इंसिडेंट कराओगे ना आई इक्वल टू आर, लगभग उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी आई इक्वल टू आर से। चलिए कोई दिक्कत है, सारे के सारे लॉ हो गए। अब ये जो आपके पास 4 कन्वीनियंट लाइट रे है, अब हम लोग इसी चारों कन्वीनियंट लाइट रे के हेल्प से किसी भी मिरर में किसी भी पोजीशन पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज इजीली बना सकते हैं। सबसे पहला लॉ क्या था, सबसे पहला ये है अगर पैरेलल होगी तो पैरेलल लाइट रे अगर फॉल करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस पे फॉल करेगी तो पैरेलल जाएगी, रिवर्स वाली बात हो गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करेगी तो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, पोल पे फॉल करेगी तो आई इक्वल टू आर से वापस लौट जाएगी। बोलिए यहां पर कोई दिक्कत, जरा सा भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़े अब हम लोग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में हम लोग बनाने वाले हैं इमेज। तो सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि इमेज किसका बनेगा, तो भाई स्वाभाविक बात है ऑब्जेक्ट का बनेगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है ऑब्जेक्ट आपका, कहीं भी हो सकता है, बहुत सारी पोजीशन हो सकते हैं, लेकिन उनमें से हम लोग क्या सारे पोजीशन पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे, जी नहीं। तो कौन कौन से ऐसे पोजीशन होंगे जिस पे ऑब्जेक्ट को रखना है, और क्यों वही पोजीशन होता है, इसको समझते हैं। आपको ये पहले से पता है कि 6 पॉसिबल पोजीशन होते हैं जहां पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। क्यों 6 होता है, 7 ही क्यों नहीं, 10 ही क्यों नहीं, 600 ही क्यों नहीं, आइए इसे समझते हैं, ठीक है। पॉसिबल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहले ढूंढ लेते हैं, 6 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों वही 6 पोजीशन पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है या उसी का बनाना है, बाकी सबका क्यों नहीं बनाते हैं, क्या जानना चाहेंगे आप लोग कि बस ऐसे शुरू करें, या आप लोगों को पता है, पता है,
बताइए बताइए ना ना ना, वो नहीं हम पूछ रहे हैं ना ना, हम वो पोजीशन थोड़े पूछ रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ये छह ही पोजीशन क्यों होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल, हाँ पॉसिबल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कितने पॉसिबल पोजीशन होंगे ऑब्जेक्ट के, उसे आइए हम लोग डिटरमाइन करें। ठीक है, एक बार बस शॉर्ट में देख लेते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक मिरर लिया और मिरर के सामने हम बारी बारी से ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे और चेक करेंगे क्या करना है। देखिए चलिए इन्फिनिटी से आते हैं। एक पोजीशन ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो काफी दूर है, काफी दूर मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, तो पहला पोजीशन हमारा ये होगा, पोजीशन फर्स्ट जो होगा एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पे। चलिए ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लो इन्फिनिटी पे है, काफी दूर। ठीक है, इन्फिनिटी मतलब होता है, वैसे पोजीशन तो पता नहीं, फिर भी ऐसे लिख देते हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट आपका और ऑब्जेक्ट मान लीजिए कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। तो साइज वाइज का कुछ आइडिया हमको है नहीं, फिर भी हम मान लो ऑब्जेक्ट को बना दिए। ठीक है, ऐसे समझने के लिए कि मान लीजिए ऐसा ऑब्जेक्ट हमने रखा है काफी दूर, कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। पहला पोजीशन ऑब्जेक्ट का, हम लोग ड्राइंग में बात करेंगे कि जब इसका इमेज देखा गया तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इमेज ऑब्टेन हो रहा था और वो पर्टिकुलर पोजीशन था इसका फोकस। इमेज जो ऑब्टेन हो रहा था वो फोकस पे हो रहा था या फोकल प्लेन पे हो रहा था, फोकस या फोकल प्लेन पे हो रहा था। तो ध्यान से देखिएगा हुआ क्या, इसका जो इमेज ऑब्टेन हुआ वो काफी छोटा था ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में काफी छोटा था, जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो एक पोजीशन डिसाइड हो गया, अभी हम लोग ड्रॉइंग कर नहीं रहे, बाद में ये चीजों को ड्रॉ से दिखाएंगे। अब दूसरा पोजीशन क्या हो सकता है? दूसरा पोजीशन ध्यान देना, दूसरा पोजीशन हमारा कहीं भी हो सकता है, इन दोनों के बीच कहीं भी हो सकता है, कहीं हो सकता है ना, तो कहीं भी रख देते हैं। चलिए इन दोनों के बीच कहीं भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इनके बीच हमने यहां पे रखा, ध्यान देना एक ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया, तो भाई इसका भी इमेज हमने बनाया। ठीक है, इसका इमेज हमने बनाया, तो इसका इमेज इन दोनों के बीच कहीं बना और ये कुछ इस साइज का बना, इससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना है, नेचर में कोई खास चेंजेज नहीं हुए हैं, अभी समझना। ठीक है, ये पहला पोजीशन था इमेज का। फिर बोलोगे सर इसके बीच यहां कहां रखे हैं? भाई यहां रखिए ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं है बाबू, यहां भी रख देते हैं। इसका भी इमेज बनाया हमने, ध्यान देना इसका भी हमने इमेज बनाया, इसका जो इमेज बना इसका इमेज थोड़ा सा पहले वाले इमेज से थोड़ा सा बड़ा बना, इससे थोड़ा बड़ा बना, बना कहाँ है? इसके और इसके बीच में। तुम बोलोगे सर यहाँ कहाँ है रखें? यहाँ रखिए ना, ये मेरा वाला जगह है, मेरे घर के बगल में रखिए। चलो भाई ठीक है, तो आपके घर के बगल में रख दिए। इसका जो इमेज बना यहाँ कहीं बना, इससे थोड़ा सा बड़ा बना। इस तरह से हमने कई ऐसे सिर्फ इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हमने इन्फिनाइट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख रख के चेक किया और इसके इमेज बनाते 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 गए बनाते गए। लेकिन हुआ क्या कि हमको ना जैसे जैसे हम बढ़ते 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 ध्यान देना आते 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 अगर हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं एकदम बिल्कुल एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जब हम एकदम बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बढ़ाते बढ़ाते ढेर सारे पोजिशन पे रखते 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 पहुँच गए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचे तो एक यूनिक सी बातें दिखी। क्या यूनिकनेस? ये था कि ऑब्जेक्ट का जो भी साइज था उसी साइज का इमेज ऑब्टेन हो गया।
उसी साइज का इमेज ऑब्टेन हो गया। अब इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले ऑब्जेक्ट का जो साइज था उससे छोटा इमेज ऑब्टेन होता था हमेशा, ऑब्जेक्ट जितना था उससे छोटा इमेज ऑब्टेन होता था रियल इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज ऑब्टेन होता था रियल इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज ऑब्टेन होता था रियल और इन्वर्टेड। तो जब आप इन्फिनिटी और सी के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते थे तो उसका जो पोजीशन था इमेज का वो इसी बीच में कहीं लाई करता था, सी और एफ के बीच पोजीशन भी इसी बीच में लाई करता था, पोजीशन में भी सडन चेंज नहीं आता था कि कभी कूद के उधर चला गया उधर चला गया, इसी बीच में होता था। साइज में भी सडन चेंज नहीं होता था कि बड़ा से बहुत बड़ा हो गया या बराबर हो गया या छोटा हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं था। नेचर में भी परिवर्तन नहीं होता था, मतलब इन तीनों चीजों में कोई खास सडन चेंज नहीं आता था। जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी और सी के बीच कहीं भी रखते थे तो उसके बने हुए इमेज में एकदम सडन सा चेंज, ना नेचर में, ना साइज में, ना पोजीशन में, एकदम अचानक सा परिवर्तन नहीं होता था। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इतने जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, आप इनफिनाइट पोजीशन पे इन्फिनिटी और इनके बीच जो बहुत सारे पोजीशन पे थे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसको आप नहीं कंसिडर करेंगे, कोई भी एक ले लोगे, कोई भी एक ले लेंगे, क्योंकि नेचर में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, ना साइज में, ना पोजीशन में। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे के बीच कहीं भी कोई एक पोजीशन ले लेंगे। आई बात समझ में, मल्टीपल पोजीशन में लेने की जरूरत नहीं है, एक पोजीशन पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बना लिया आपने, बस कहानी खत्म हो गई। आई बात समझ में बाबू, समझ गए? इसीलिए क्या होता है कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच सिर्फ एक ही पोजीशन को कंसिडर किया जाता है। तो सेकेंड पोजीशन ऑब्जेक्ट का हो गया और ये आपका सेकेंड पोजीशन इमेज का हो गया, ये थर्ड पोजीशन ऑब्जेक्ट का। अब तीसरा पोजीशन क्यों सी पे लिए, क्योंकि सी पे एकदम सडन चेंज आया। क्या साइज देखो, बराबर था, साइज बराबर था, रियल इन्वर्टेड था, नेचर वही रहा लेकिन साइज सेम बन गया। तो साइज में पहले छोटा बन रहा था, अभी बराबर बन रहा था, एकदम अचानक सा परिवर्तन हुआ ना तब। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे तीसरा पोजीशन कंसिडर कर लेंगे ऑब्जेक्ट का, और ये रह गया आपका इमेज का थर्ड पोजीशन। क्लियर? अब इसी तरह से हमने फिर से क्या किया, बारी बारी से, बारी बारी से सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच मल्टीपल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के चेक किया। क्या हुआ, किसी भी पोजीशन पे रखने पर, ध्यान देना सर, किसी भी पोजीशन पे रखने के, ऑब्जेक्ट को रखने पर हमें क्या, इनके बीच कहीं भी रखा ना तो कोई खास चेंज नहीं देखने को मिला। इसलिए हमने इनके बीच कोई भी रेंडम पोजिशन पे एक ऑब्जेक्ट को रख लेंगे, क्योंकि इसका जो इमेज बनता था वो बियॉन्ड सी बनता था, सी के बाद बनता था, और सी के बाद बड़ा बनता था, बहुत बड़ा नहीं बना था, बड़ा बनता था, रियल इन्वर्टेड बनता था। यहां भी रखेंगे तो बड़ा बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, बनता था बियॉन्ड सी ही, इसलिए कोई एक रैंडम पोजीशन हम लोगों ने सी और एफ के बीच वाला भी ले लिया, ताकि कोई बुरा ना माने। अब नेक्स्ट पोजीशन क्या हुआ कि जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, आ गया सडन चेंज। क्या सडन चेंज ये हुआ, फिफ्थ पोजीशन ऑब्जेक्ट का सडन चेंज ये हुआ फोर्थ, इसका इमेज बन गया इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे इमेज बहुत ही ज्यादा बड़ा बना, हाईली मैग्नीफाइड बन गया। इसका इमेज कहां बना, इसका जो इमेज बना वो इन्फिनिटी पे बन गया, कहां पे, इन्फिनिटी पे बन गया, और इन्फिनिटी पे जो इमेज बना है वो काफी बड़ा था। तो सडन चेंज नहीं हुआ, एक तो पोजीशन बहुत दूर, दूसरा हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड से हाईली मैग्नीफाइड हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो कंसीडर होगा, ये वाला स्पेशल था। पांच पोजीशन हमारा मिल गया हमें, अब एक पोजीशन की और तलाश है। इसके बीच हमने क्या किया, अब फोकस और पोल के बीच हमने फिर अलग अलग पोजीशन पे रख के देखा, फोकस और पोल के बीच अलग अलग पोजीशन पे रख के देखा, तो कोई खास हमें सडन चेंज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला सर, क्योंकि इसके बीच आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, इसका जो इमेज बनना है, इसका इमेज बनना है वर्चुअल, नेचर में भी कोई खास चीज नहीं हुआ, इमेज इसका बनना था वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड,
आप यहां पे रखोगे वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, यहां भी रखोगे वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, यहां भी रखोगे वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। तीनों चीजें सारी सेम सेम थी, इसीलिए छठा पोजीशन ऑब्जेक्ट का ये कंसीडर हो गया और इसका इमेज का पोजीशन ये हो गया वर्चुअल मैग्नीफाइड और बिहाइंड द मिरर बनता है इसका सिक्स वाला इमेज। इस तरह से हमारे पास सिर्फ छह ऐसे पॉसिबल पोजीशन है ऑब्जेक्ट के जिस पे रखने के बाद इमेज में के नेचर में या साइज में या पोजीशन में सडन चेंज आएगा, या जहां भी रखने से ऑब्जेक्ट के नेचर में प्रीवियस वाली इमेज से ऑब्जेक्ट के बने द्वारा इमेज में सडन चेंज आएगा, या तो नेचर या तो पोजीशन या तो साइज में, वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग कंसिडर करेंगे। कहानी एकदम क्लियर हो गई सबकी? ठीक है मैन, जो मैटर था वो सबको समझ में आया। सेकेंड पोजिशन ऑब्जेक्ट का हो गया हमारा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीओसी चलेगा। तीसरा पोजिशन जो हमारा ऑब्जेक्ट का था एट सीओसी। फोर्थ पोजिशन जो हमारा था बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ पोजिशन क्या था? फिफ्थ पोजिशन था हमारा पांचवा एट फोकस, एट फोकस। और जो छठा पोजीशन हमारा था बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। चलिए बताइए यहां तक किसी को कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब हम लोग अलग अलग पोजीशन पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज कॉनकेव मिरर में बनाते हैं, शुरू करें। चलो सबसे पहला पोजीशन हम लोग इन्फिनिटी से ही शुरू करते हैं। आइए पहला पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का होगा वो इन्फिनिटी रखते हैं हम लोग, ठीक है। पहला पोजीशन इन्फिनिटी, केस फर्स्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा आपका एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे रख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके लिए हमें एक मिरर की जरूरत पड़ेगी। आइए एक मिरर ले लेते हैं, नेचर कॉनकेव भी चलेगा, अभी कॉनकेव में कर रहे हैं हम लोग। देखो अब आप हमें ये बताइए, हमें कैसे पता चलेगा लाइट रे के मीडियम से, हमें ये पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है? लाइट रे से पता चलना चाहिए। आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा लाइट रे है जो इस बात को सिग्निफाई करता है कि वो इन्फिनिटी से आ रहा है। देखो आपको लाइट रे इंसिडेंट करानी है और लाइट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से होती हुई आती है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट होती है, तो हमने हमें ऐसे लाइट रे सेलेक्ट करने हैं जो हमें इस बात का सेंस दे कि इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। आपने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा कि टू पैरेलल रेज क्या होता है, कहाँ से आती है? इन्फिनिटी से आती है। या टू पैरेलल रेज इंटरसेक्ट इच अदर एट इन्फिनिटी, मतलब वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम दो पैरेलल लाइट रे ले आए तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे होगा? इन्फिनिटी पे। इसीलिए जब भी इस केस का इमेज बनाओ तो आप इन्फिनिटी से ही लाइट रे लो। आप इन्फिनिटी से कैसा भी लाइट रे लो, दो लाइट रे पैरेलल लो। जैसे आप लाइट रे ऐसे भी ले सकते हैं पैरेलल लेना है इन्फिनिटी से, या आप ऐसे भी ले सकते हैं या आप ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों लाइट रे आपस में पैरेलल होनी चाहिए। या आप ऐसे भी ले सकते हैं, दोनों लाइट रे आपस में पैरेलल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या सिग्निफाई करता है? इन्फिनिटी। ये बात पकड़ पाए? ठीक है, हाँ दोनों लाइट रे पैरेलल होनी चाहिए। इसके अलावा और भी कोई केस है तो उसमें आप कोई एक भी लाइट रे लोगे चलेगी पैरेलल टाइप की, प्रिंसिपल एक्सिस की या कोई भी, लेकिन इन्फिनिटी वाले केस में आपको दोनों पैरेलल लाइट रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। भले वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ना हो, डजंट मैटर, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। कि ये बात क्लियर है? वेरी गुड। चलिए एक काम हम लोग करते हैं, एक लाइट रे को हम फोकस पे इंसिडेंट करा देते हैं, ठीक है। एक लाइट रे को हमने क्या किया, फोकस पे इंसिडेंट करा दिया। तो बताइए सर, फोकस पे जो लाइट रे इंसिडेंट करती है वो कहां से जाती है, कहां से जाती है? बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेज दिए, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई।
अब दूसरी वाली जो लाइट रे होगी उसे हमें क्या करना है, पहली वाली लाइट रे के पैरेलल लेनी है, क्योंकि दोनों लाइट रे पैरेलल होनी चाहिए। आइए ले लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, जो दूसरी वाली लाइट रे है वो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लिया। दूसरी वाली जो लाइट रे है वो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करा दी। ओहो कमाल हो गया, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को आपने इंसिडेंट कराई, आपको पता चला कि जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट होगी उसी डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। होती है कि नहीं होती है? ये F और ये C। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है सर? ऑब्जेक्ट है आपकी इन्फिनिटी पे। कोई दिक्कत आई बात समझ में? वेरी गुड। अब देखो जो लाइट, ये लाइट रे जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, इमेज, इमेज होता है। तो आपका इमेज बन गया कहां पे, यहां पे। तो जब देखा गया कि ये इमेज का एग्जैक्ट पोजिशन क्या था, तो जब इसका पोजिशन देखा गया, अरे ये तो फोकस पे बना है, मतलब इसका पोजिशन क्या था, फोकस था। समझ पाए सर क्या पोजीशन रहा इसका, फोकस का रहा। तो आपको ये चीजें मिल गई, क्या प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इन दिस केस। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें इसका पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन क्या बना है, एट फोकस। साइज के बारे में बताइए सर, हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटा बना है, हाँ हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटा बना है ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट में, बहुत छोटा बनता है। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था इन्फिनिटी पे, देखो ना प्रिंसिपल एक्सिस से ये रखोगे कितना बड़ा बनेगा इन्फिनिटी वाला। तब चलिए नेचर के बारे में बताइए, तो क्या रियल इंटरसेक्शन से बना है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे का रियल इंटरसेक्शन से बना है। अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रे का रियल इंटरसेक्शन से बनेगा तो रियल इमेज बनेगा, क्लियर है। इमेज कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर है। आई बात समझ में, पहला वाला केस सबको क्लियर हो गया। चलिए आते हैं हम लोग सेकंड केस में, सेकंड केस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो कहां पे रखोगे ऑब्जेक्ट को बाबू, सेकंड केस क्या था, बियॉन्ड सी, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। चलिए ये रहा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट। अब हम आपको जो स्टेप बताएंगे करने के लिए, उसी स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे तो पहली बार में एक्यूरेट और सुंदर इमेज बनेगा। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करें तो पहली बार में सुंदर इमेज बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग चिटिंग करेंगे इसमें, चिटिंग मतलब गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे काम करना है। एग्जामिनर को ये थोड़े पता चलेगा कि ये वाली लाइट रे हमें पहले ड्रॉ करनी थी, ये वाला हमने पहले किया है नहीं किया है, है ना। हमको तो ऐसे भी इससे मतलब है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं हम लोग, हाँ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बियॉन्ड सी। सबसे पहली बात आप ये ध्यान में रखिएगा, अभी पहले मार्क मत करिए, जो एफ और सी होगा उसका मार्किंग नहीं करना है, ठीक है। F और C का मार्किंग नहीं करना है, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। आप एक काम करिए, अब पहली वाली लाइट रे, इसमें एक लाइट रे आप हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल कराइएगा, हमेशा एक लाइट रे क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल कराना है ऑलवेज। दूसरी वाली लाइट रे अपने हिसाब से आप बदलते रहिएगा, आपको जहां करने का मन करे वहां पर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। मेरा मन कर रहा है कि जो पहली वाली लाइट रे है वो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल करा दें, पहली वाली लाइट रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल करा दें। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल कराने से क्या है, किसके आने और जाने का रास्ता एकदम क्लियर है ना, आने और जाने का रास्ता एकदम क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है।
इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का क्लियर हो गया। आप इंसिडेंट कराने का आप कहीं भी करा सकते हो, नहीं समझे, आपको एकदम इंडिपेंडेंट है, तो आपको जहां कराना करा लीजिए, करा लिए। ये पॉइंट फोकस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। आपको पता है कि इसके बीच रिलेशन ऐसे ट्वाइस का होता है, तो ये हो जाएगा हमारा एफ और ये हो जाएगा सी। अब दूसरा वाला लाइट रे जो है उसे लेना है आपको क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ध्यान रखिएगा, दूसरी बोले ना एक लाइट रे परमानेंट हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही फॉल कराएंगे। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे है वो कहां से गुजरेगी, फोकस से। इस ये फोकस रहा ना, देखो फोकस कैसे किया हमने, सी और पी के बीच में मार्क होता है फोकस का, फोकस जो होता है वो बीच में होता है, या मार्क मत करिए आप, कोई दिक्कत नहीं, बाद में जहां पे कट करेंगे वहां पे मार्क कर देंगे। चलिए इसे रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, आई इक्वल टू आर से इसे रिफ्लेक्ट करवा दिए, आई इक्वल टू आर से जैसे ये रिफ्लेक्ट किया, ओहो रिफ्लेक्ट कर गई, देखो रिफ्लेक्ट किया। अब ये कहां पे इंटरसेक्ट करी है, देखो एकदम पोजीशन क्या था, सी और एफ, ये बनेगा इसका इमेज सी और एफ के बीच, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये रहा आपका इमेज, क्लियर है। ऑब्जेक्ट मान लो ए बी, तो इसका इमेज जो बना है वो बना है आपका ए डैश बी डैश। अब ये बताइए ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज छोटा है कि बहुत छोटा है, छोटा है कि बहुत छोटा है, छोटा है, तो इसलिए हाईली डिमिनिश नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे, डिमिनिश बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का पोजिशन पता चल गया, पोजिशन कहां बना है, सी और एफ के बीच में। आइए प्रॉपर्टी कर ले, चलिए प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इन दिस केस। पहली चीज है पोजीशन क्या रहा इमेज का, इमेज का पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, क्लियर है, सी एंड एफ के बीच बना है। साइज के बारे में बताइए, साइज क्या है, डिमिनिश है, छोटा है, नहीं छोटा इमेज बना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और नेचर के बारे में बताइए सर, क्या रियल इंटरसेक्शन से बना है, यस, तो रियल इमेज ही होगा। और देखो ऑब्जेक्ट का टॉप ऊपर था, इसका टॉप नीचे है, तो इन्वर्टेड भी हुआ, ठीक है, इन्वर्टेड भी हो गया, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बताइए यहां तक किसी को कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन तो बोलो दोनों केस में। अब अगला केस क्या था, याद है सबको, तीसरा वाला केस, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे था, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखिए ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट मिरर, सॉरी मिरर। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, पोल, चलिए ऑब्जेक्ट को रखना है, अब हमें ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट जहां होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर वहीं होगा। तो अब लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने में कोई मतलब नहीं है, नहीं कर सकते पास, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फोकस से तो पास कर ही सकते हैं ना, कहीं से भी कर सकते हैं। सेकंड हमेशा पहली वाली लाइट रे पैरेलल जाने वाली है, तो हम लोग इसको इंसिडेंट अभी नहीं कराएंगे, पहले हम लोग सेकंड वाला लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं। चलिए सेकंड वाला लाइट रे को फोकस से इंसिडेंट करा देते हैं, ठीक है। और आपको ये भली बात ही ज्ञात है कि जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पे फॉल करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पे फॉल करती है, तो बताइए कहाँ से जाती है ये, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से फॉल करे तो पैरेलल जाती है, वेरी गुड, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ये फॉल करेगी तो पैरेलल जाएगी, ओह टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, एक मिनट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल करेगी तो फोकस पे जाएगी, ये बात श्योर है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस पे फॉल करेगी तो पैरेलल जाएगी, सीधा है लगभग, हाँ सीधा है, चलो हाँ
ये पॉइंट हमारा फोकस हो जाएगा। अब ये वाली जो लाइट रे है वो जाएगी पैरेलल मिरर पे फॉल करी है, लाइट रे जाएगी पैरेलल पैरेलल को डॉट में घूम रहे हैं, चलो लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई पैरेलल। अच्छा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ओहो चेक तो रह गया, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। एक लाइट रे को हमने फॉल करा दी है प्रिंसिपल एक्सिस पे, सॉरी फोकस पे, ये लाइट रे फोकस पे फॉल कर गई ऑब्जेक्ट से। अब दूसरी वाली लाइट रे हमें क्या करानी है, दूसरी वाली लाइट रे हमें फॉल करानी है पैरेलल वाली, ठीक है। चलो एक पैरेलल लाइट रे हमने फॉल करा दी, हमने एक पैरेलल लाइट रे फॉल करा दी। अब ये पैरेलल लाइट रे कहाँ जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी, इसको हमने फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट करा दी, ठीक है। फोकस से होते हुए इस लाइट रे को हमने रिफ्लेक्ट करा दी, कोई डाउट नहीं। पैरेलल लाइट रे तो फोकस से ही जाएगी ना, ठीक है। अब देखो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ था, ये वाला, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है यहाँ पे इंटरसेक्ट करी है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे बनेगा इसका इमेज। देखो यहाँ पे बन गया इसका इमेज, इमेज कैसा बना, साइज एकदम बिल्कुल सेम रहेगा, नेचर भी रियल है और इन्वर्टेड है। चलिए ड्राइंग समझ में आया सबको, सबको ड्राइंग समझ में आया। एक बात और खास ख्याल रखना है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का ये जो एरो है उसे देने भूलना नहीं है, आने वाली लाइट रे का एरो, जाने वाली लाइट रे का एरो, आने वाली लाइट रे का एरो, जाने वाली लाइट रे का एरो भूलना नहीं है, समझ गए। हाँ चलो आइए प्रॉपर्टी कर लें इसका, देखो प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, सबसे पहली बात पोजीशन क्या है, इमेज का है, इमेज का पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, बिल्कुल। साइज के बारे में बताओ, सेम साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट इक्वल, नेचर क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर है। चलो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पोजीशन की तरफ बढ़े, अगला पोजीशन क्या होगा, नेक्स्ट पोजीशन, हाँ बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। चलिए मिरर बनाते हैं, चलो बना लिए। अब प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को लोकेट करें, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे आ गया बिटवीन सी एंड एफ, ये रहा, इधर कहीं एफ होगा इधर कहीं सी होगा, अभी मार्क नहीं करना है, इधर कहीं एफ होगा इधर कहीं सी होगा। फिर से फोकस पे इंसेंट करा दे क्या, करा दे, कहीं से भी करा सकते हैं आप, फोकस पे ही करा दे, अभी फोकस वाला जिंदा है कोई बात नहीं, जब फोकस से कराना थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का होगा तब कराएंगे कहीं और से, अभी चांस है हमारे पास। चलिए लाइट रे को फोकस पे इंसिडेंट करा दिए, जब लाइट रे फोकस पे इंसिडेंट करती है तो किधर जाती है, पैरेलल है ना, पैरेलल, तो ये लाइट रे कहीं चली जाएगी, पैरेलल, पैरेलल रिफ्लेक्ट कर जाएगी, पैरेलल है, अच्छा थोड़ा नीचे हो गया, ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए
अब दूसरी वाली लाइट्री क्या करना है, दूसरी वाली लाइट्री तो परमानेंट हम लोग चेक कर चुके हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जब जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट्री गई है वो लॉटी कहाँ से है, फोकस से, इसको तो फोकस से जाना पड़ेगा, तो इस लाइट रे को फोकस से गुजार देना है, इस लाइट रे को फोकस से गुजार देना है, और जहाँ पे ये उस पहले वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे को कट करेगी वही बनेगा इसका इमेज। तो ये बन गया इसका इमेज। अब जो इसका इमेज बनता है ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो इमेज बनता है ना, इमेज सी के बाद बनता है, इमेज सी के बाद बना, तो बियॉन्ड सीन बना इमेज। और देखो तो बड़ा बना कि छोटा, बड़ा बना कि छोटा, मैग्निफाइड, गुड, बड़ा बना, क्लियर है, वेरी गुड। ए बी ए डैश बी डैश, चलिए प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, सबसे पहले पोजीशन कहां पे बना है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, साइज अब की बार बड़ा बना, मैग्निफाइड, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए यहां तक तो कोई कंफ्यूजन, बस दो केस और का है उसको भी करिए लेंगे, क्लियर है यहां पे, एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ ड्राइंग है वो हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।